वो जानकार। तो सर ये माइक्रोडोम है और इसको सबसे पहले यहाँ पे पीछे स्विच लगा हुआ है, यहाँ से ऑन, सपोज दैट इस पोजिशन में है, यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ब्लॉक हमारा ऑलरेडी बना हुआ होगा, टिशू प्रोसेसिंग के बाद वैक्स के साथ मोल्ड बना लेंगे और ये बनाने के बाद ये अपना ब्लॉक रेडी है। ब्लॉक को पहले ठंडा करेंगे, ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर पे काफ़ी ठंडा रखेंगे इसको। जितना बढ़िया ठंडा होगा उतना ही बढ़िया आपका चिप्स आएगा। यदि ये गर्म होगा तो क्या होगा, जैसे ये हो रहा है ना यहाँ पे, वैक्स चिपक जाएगा यहाँ पर। ऐसे नॉर्मल रूम में इसको कटिंग भी नहीं करते, जहाँ पे एसी लगा हुआ हो वहाँ पे रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको चिप्स लेना ईजी हो जाएगा। अब ये हमारा मोल्ड तैयार है। मोल्ड को हमने क्या किया, यहाँ पे ये लीवर को इस तरह से ऐसे प्रेस किया और ये टाइट हो। सपोज दैट कई बार टिश्यू क्या होता है कि कुछ साइड में आ जाता है जैसे मोल्ड करते हैं उस टाइम, तो इसको हमने ऐसे करके रखने के बदले इसको ऐसे घुमा के हमें इसको ब्लॉक को पकड़ना है। तो उसके लिए भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, इसको इस तरह से रखना है और इसको जैसे ऐसे करेंगे तो ये साइड से भी पकड़ेगा। तो ये हो गया आपका पकड़ने का व्यू। और यदि सपोज दैट कई बार टिश्यू क्या होता है कि बहुत छोटा टिश्यू है और वो इस तरह से उसके अंदर फिक्स मोल्ड हो गया है कि जिससे कि बिल्कुल एक कोने पे आ गया। अब उसमें उसको एंगल एडजस्ट के लिए ये यहाँ से लीवर को लूज करेंगे ऐसे, ये इस तरह से जैसे लूज किया और इसके एंगल एडजस्ट कर सकते, देखिए घूम रहे हैं इस तरह से, ये घुमा के अपने एंगल को एडजस्ट करके फिर इसको दोबारा से यहाँ से लॉक कर देंगे। वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये अपना लॉक हो गया, अपना ब्लॉक रेडी हो गया। यहाँ ब्लेड लॉक कर, ब्लॉक तो आप लोग लगाए ही नहीं मेरे ख्याल से। ब्लेड डालने का तरीका यही है जैसे आप लोग डालते हैं, इस तरह से ऐसे निकालो। ये ब्लेड अपने पास रखी, उसकी ब्लेड देख गए थे आप, डब्बे होंगे। तो ये इस तरह से पहले ब्लेड को क्लीन थोड़ा टिश्यू पेपर से कर लेते हैं, वैक्स लगा रहेगा तो सही मशीन नहीं आएगा। इसको हल्का सा ऐसे उठाना है। कितनी ब्लेड देखे गए थे आप? दो पैकेट या एक पैकेट ऐसे ही कुछ ढूंढना जरा। इस तरह से सर इसको पूरी तरह से इसमें जड़ में बिठा देंगे, इस वाले बेस पे। उठाने के बाद ये जो लीवर है इससे लॉक कर देंगे। ये जो लीवर है ये एंगल एडजस्टमेंट के लिए है, इसको लूज करके इसको एंगल को एडजस्ट जैसे आगे पीछे करना है एंगल के लिए। ये लेटरल के लिए है कि समझ लेट बाएँ दाएँ समझ लेट। अभी हमने क्या किया कि हमने इसको यहाँ का यूज कर लिया कटिंग। तो एक ही ब्लेड से हम दोनों काम कर सकते हैं, ट्रिमिंग भी कर सकते हैं और स्लाइडिंग। सपोज दैट इस वाले एज से हमने ट्रिमिंग करना है और इस वाले एज से हमने चिप्स लेना है, तो दोनों काम एक साथ ही कर सकते हैं बिना ब्लेड को खोले। कई बार क्या करते हैं कि बहुत से लोग एक ब्लेड यूज़ करते हैं सिर्फ ट्रिमिंग ट्रिमिंग के लिए, जैसे 50-60 ब्लॉक काट लिया एक बार ट्रिम करके उसको आइस के ऊपर रख दिया, या मेरे ख्याल से आपके पास एक मेडिंग सेंटर भी आया होगा, टिश्यू मेडिंग सेंटर, तो उसके ऊपर रख दिया वो ठंडा होते रहे। यही है जो मुझे, तो इस तरह से आपका ये ब्लॉक ठंडा हो गया। अब इसको समझ लेट, आपने इसको एंगल को आपने यहाँ पे सेट कर लिया, सेट करके इसको लॉक कर दिया। पूरी असेंबली को यदि सपोर्टर साफ करना है तो इसको इस लीवर को, ये राइट हैंड वाले लीवर को लूज करेंगे, ये पूरा का पूरा असेंबली निकल। फिर दोबारा इंसर्ट सेम उसी तरह से, इसके अंदर ये कीवे बना हुआ है और यहाँ पे ये की है, तो इसके अंदर इसी तरह से इंसर्ट करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके हम ये देखेंगे, पहले यहाँ से हम लॉक करके ये देखिए कि हमारा अभी ब्लॉक लगभग नज़दीक आ गया, यहाँ से लॉक कर देंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम जब घुमा रहे हैं तो कट नहीं आ रहा, कट नहीं आ रहा, इसका कारण है कि अभी हमारा ब्लॉक दूर है। इसको जैसे सब इधर माइनर यदि नज़दीक है तो इससे ला सकते हैं स्लो धीरे धीरे, ज़्यादा दूर है तो इससे फास्ट डबल एरो। स्लो है, नज़दीक है तो अपना हम सिंगल एरो और ज़्यादा दूर है तो डबल एरो। डबल एरो करने के बाद भी आप, अब आपका क्या लग रहा है कि सपोज दैट अभी तो ये ऑलरेडी ट्रिम किया हुआ है तो इसलिए तुरंत से चिप्स आना शुरू हो गए, जो हम साइज डाल रहे हैं वो आना शुरू हो, ये देखिए आना शुरू हो, ये 5 माइक्रोन पे आ रहा है। तो जब शुरू में करेंगे, जब कोई भी ब्लॉक हम लगे यूज करेंगे तो उस टाइम उसको क्या करना होगा, ट्रिम करना। ट्रिम करने के लिए ये ट्रिम सेक्शन सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो ट्रिम को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे जो 5 माइक्रोन यहाँ शो कर रहा है ये 20 माइक्रोन, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सपोज दैट ज़्यादा मोटा ब्लॉक कोई हमने बना लिया, कोई ऐसा टिश्यू लिया जो बहुत कट करना है उसको, या कई जगह से उसका हमें चिप्स का वो एनालिसिस करना है,
तो उसमें क्या करेंगे, इसको ट्रिम को हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको प्लस माइनस करके ना इसको बढ़ा भी सकते हैं और माइनस साइज है ये नॉर्मल साइज की तरह वो सेट कर दो। हाँ, जैसे नॉर्मल 20 माइक्रोन पे कट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी आप यदि कई बार क्या होता है कोई हार्ड टिश्यू है और उसको ज़्यादा मोटा कट कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो ये ब्लॉक टूट जाएगा क्योंकि बहुत हार्ड है और उसमें एकदम मोटा ब्लेड भी ख़राब हो सकता है, आपका ब्लॉक भी टूट सकता है। तो रिसाइकलिंग दोबारा से आपका फिर वैक्स बनाओ, फिर उसको दोबारा से मोल्ड बनाओ। कई बार कई टिश्यू होते हैं कि वो बेकार फट जाते हैं, तो और सैंपल ज़रूरी उसका मतलब उसका रिपोर्ट ज़रूरी करना है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सलाह देते हैं कि 20 माइक्रोन पे आप ट्रिम करो और 5 या 4 माइक्रोन पे इसको स्लाइड करो। सपोज दैट हमने 20 माइक्रोन पे अभी क्या है हमारा ब्लॉक क्या है कि मतलब अभी वो क्या बोलते हैं विदाउट ट्रिमिंग, अभी ट्रिम किया हुआ नहीं, हमने जस्ट इसको ब्लॉक को बोल्ट से निकाल के लाया है और इसके लिए हमने क्या किया, इसको ट्रिम सेलेक्ट किया, ट्रिम सेलेक्ट किया, 20 माइक्रोन सिलेक्शन हो गया। अब जो हम कट लेंगे ये 20 माइक्रोन का कट आएगा, ये देखिए ये 5 माइक्रोन पहले का रीड कर चुका था, अब जो आएगा ये देखिए मोटा आएगा 20 माइक्रोन का। अब ये 20 माइक्रोन कट करके हमने क्या देखा कि हमारा टिश्यू अब आ गया सीधा या फ्लैट हो गया अपना टिश्यू, जिससे कि हम अपनी स्लाइड को बना सकें। तो इसको दोबारा से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कटिंग मोड में, यानी कि जो स्लाइड हमने लेना है सपोज 5 माइक्रोन पे लेना है तो 5 माइक्रोन पर हमने दोबारा इसको टच किया, कुछ भी नहीं बढ़ाना घटाना, सिर्फ एक बार इसको टच करना है, टच करते ही आपका ऑटोमेटिक 5 माइक्रोन पे। अब जो हम कट लेंगे, क्योंकि ये पहले का रीड किया हुआ है 20 माइक्रोन, इसलिए ये 20 आया दूसरा भी, लेकिन अब जो रीड करेगा ये 5 माइक्रोन है, ये 5 चीन आ गए। ये इस तरह से आप 5 माइक्रोन पे इस तरह से रिबन बनाया। अभी तो ये वैक्स गर्म है और वैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एकदम हाथ में चिपक जा रहा है। 70% वाला जब वैक्स यूज करेंगे ना, जो मिनिमम मैक्सिमम 70% पे 70 डिग्री पे जो मेल्ट होता हो, ये तो मेरे ख्याल से 40 डिग्री पे ही पानी बन जाएगा जिस तरह का ये वैक्स, वो जब होगा तो आपका ये चिप्स पूरा का पूरा रिबन बन जाएगा। अभी तो ये पकड़ने में ही पाउडर बन जाएगा, अपने कौन सा वैक्स मोमबत्ती वाला मेरे ख्याल से ट्रायल किया गया है। तो इस तरह से ये चिपक रहा है, चिपक जा रहा है, ये वैक्स नहीं है ना। सही ये वैक्स यदि सही होगा ना आपका, तो ये पूरे के पूरे सीधा है और ठंडा होगा। आइस क्यूब रखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा आइस क्यूब लगा लिए कि जिससे कि ये ब्लॉक ये जो अपना प्लेट है ये भी ठंडा रहे, और आइस का ट्रे रख रखा है आपने इधर पास में, तो उस पे से उठाया जैसे ही और इसके ऊपर रखोगे तो वैक्स तो ऐसा चीज़ है कि उसको ठंडा रखोगे तो हार्ड रहेगा, जैसे टेम्परेचर में जाएगा गर्म होगा तो वो सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो ये चीज़, बाकी ये मशीन को हमने पूरी तरह से चेक कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, रखा है हो गया उतने ही। हाँ, हमें क्या मेंटेन करना है इसमें? आपने मेंटेन अंदर का तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि जिस टाइम हम काम कर रहे हैं उस टाइम कुछ ऐसा ना हो कि ये ब्लॉक कटते कटते आगे आ जाए और ये ब्लेड के ऊपर आके ये पूरा ब्लॉक टच कर गए, तो टक्कर करेगा तो क्या होगा कि इसका भी धार खराब करेगा और ये भी इसमें भी कटवट लग जाए तो ये भी बेकार हो जाए। इसलिए हमने क्या देखना है कि ये हमारा जो ये प्लास्टिक मोल्ड है इससे पहले ही हमने इसको रोक देना है कि ठीक है अपना काम हो गया। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है वो, क्योंकि टिशू जो होता है टिशू ज़्यादातर नीचे ही आता है, जब हम उसके अंदर जब मोल्ड के अंदर रखते हैं टिशू को और प्रेस करते हैं, हल्का सा टिशू रखते हैं, वो क्या नाम वैक्स डाल के पहले उसको फिक्स कर लेते हैं फिर ऊपर से वैक्स डालते हैं, तो मैक्सिमम सेट ही रहता है, आगे की तरफ ही होता है, तो ज़रूरत पड़ती नहीं। इतना आ जाते हैं तो बिल्कुल ये खाली वैक्स वैक्स बच जाता है, तो कोई उसको काम नहीं करता। तो ये चीज़ मेन चीज़ रखना है, और ये सारी चीज़ें जब भी ऑपरेट करना तो उस टाइम एक बार देख लेना है, कभी ऐसा ना कि किसी ने छेड़ दिया हो, सपोज दैट इसको लूज कर दिया हो किसी ने और आप कटिंग कर रहे हैं, ये ऐसे ही होगा, आप कटिंग कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका टिश्यू कटिंग नहीं होगा और एकदम जंप मार के ब्लॉक को तोड़ देगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है, ये जैसे ये चीज़ है तो इस इन चीज़ों को चेक कर लेना है कि ये कहीं से लूज तो नहीं है, ये मेन चीज़ें देखनी है, और बाकी इंटरनल तो हम लोग खुद ही देखेंगे वो तो आप लोग। अच्छा, ये मीनू मोड को थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मीनू मोड सर इसके लिए होता है कि सब इधर जैसे ये आपका आ रहा है, ये नंबर सारे फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं इसमें?
मतलब सारी सेटिंग गड़बड़ कर दी, मान लो किसी ने उल्टी सीधी बटन दबा दी, फिर रीसेट कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर उल्टी सीधी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ, यहाँ से जो ये नंबर्स ऑफ माइक्रोन्स आ रहे हैं ना, यहाँ नंबर्स ऑफ कट आ रहा है कि कितने कट, जैसे अभी 414 है, अभी एक चक्कर हम जैसे ही इसको लेंगे ये 415 आ जाएगा, देखिए 415 आ गया, एक चक्कर और लेंगे 16 आ जाएगा, ये टोटल इससे के जो कट निकले। हाँ हाँ हाँ, टोटल हमने कितना कट लिया, और ये नंबर्स 5 जुड़ता जाएगा, 20 है 25, 20 30 आ गया, 35 आ जाएगा, इस तरह से ये टोटल आपने कितना माइक्रोन अब तक कट कर लिया इसको वो आ जाएगा। इसको क्लियर करना है तो यहाँ से आप टच करते हैं, वो सारा साफ है। साफ ठीक, थैंक यू। आप वो बेइंग मशीन हो देखिए।